देश की राजधानी और आसपास के राज्यों में कोरोना और प्रदूषण के डबल अटैक से बचने के लिए क्या उपाय आजमाने चाहिए, खास तौर से सर्दियों के मौसम में जब प्रदूषण पीक पर होता है। आज तक ने पर्यावरण विशेषज्ञ और स्वास्थ्य विशेषज्ञ से खास बातचीत की है। इन विशेषज्ञ का मानना है कि कोरोना की मौजूदगी में प्रदूषण खतरनाक कॉकटेल बना सकता है। आइए सबसे पहले सुनते हैं पर्यावरण विशेषज्ञ विक्रांत तोंगड़ को। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा कि स्टबल बर्निंग जो पंजाब हरियाणा यूपी राजस्थान में एक तरह से शुरू हो गई है और आगे और बढ़ेगी, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ये एक तरह से बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण को बढ़ा देती है। और ऐसे में किसान भाइयों की भी कोई ऐसी गलती नहीं है, क्योंकि उनके पास भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या उन्हें कोई अलग से फंड नहीं दिया गया है कि वो इस स्टबल को जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको कैसे अपने खेत में या अपने आसपास में उसका डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, उसका निस्तारण कर सकते हैं। तो ऐसे में स्टबल बर्निंग पर काफ़ी काम करना होगा, अदरवाइज स्थिति बहुत चिंताजनक होगी। इसके अलावा हम दूसरी तरफ जाते हैं तो गाड़ियों का जो प्रदूषण है, गाड़ियों का प्रदूषण दिल्ली NCR में काफ़ी है, और हम हमेशा पंजाब हरियाणा को ही ब्लेम नहीं लगा सकते, वहाँ के किसानों को ही ब्लेम नहीं कर सकते हैं। दिल्ली NCR का अपना लोकल जो पॉल्यूशन है, जिसमें गाड़ियों का जो प्रदूषण है उसको नियंत्रित करना होगा, ऑड इवन लाना पड़े या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर या फ्री करना पड़े, मेट्रो को फ्री करना पड़े अगर ये पॉसिबल है, क्योंकि कई ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया जाता है, जिससे कि लोग गाड़ियों को छोड़कर, अपने पर्सनल गाड़ियों को छोड़ करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाएं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएंगे तो वायु प्रदूषण में गिरावट आएगी। और गाड़ियों के प्रदूषण को इसलिए भी कम करना जरूरी है क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक है। पराली जलाने से पॉल्यूशन आता है लेकिन वो टॉक्सिक नहीं है उस लेवल पे जितना गाड़ियों के टायर के घिसने से या जो उनका साइलेंसर है जो वहाँ से जो धुआं आता है वो बहुत ही खतरनाक है हेल्थ के लिए और कैंसर तक हो सकता है। दूसरा जैसा मैंने सुझाव दिया कि गाड़ियों का प्रदूषण कम करना है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे उपाय की तरफ चलते हैं, तो उसमें बात आती है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन सबसे बड़ा रीज़न मानता हूँ मैं दिल्ली NCR में पॉल्यूशन का, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल हब है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और इसके आसपास और कई से है, और आप देखेंगे सिकंदराबाद UP में, वहाँ कोई रूल रेगुलेशन आपको दिखेगा ही नहीं। फैक्ट्रीज इस तरह से धुआं उगल रही है जैसे वो दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर हो, उनको कोई देखने वाला नहीं। जोखाबाद इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं जिसे, मथुरा में तमाम टायर गलाने वाली फैक्ट्रीज है जिन्हें पायरोलिसिस प्लांट कहते हैं, वो लगातार धुआं उगल रही है, ईंट भट्टे चल रहे हैं, जबकि NGT की ओर से काफ़ी सख्त टिप्पणी आ चुकी है, रोक लगाई जा चुकी है, ईंट भट्टों में टायर जलाए जाते हैं, प्लास्टिक जलाया जाता है। इसके अलावा सुखदेव विहार दिल्ली में इंसिनरेटर लगा हुआ है जो कूड़े को जलाकर खत्म करते हैं, वो अपने आप में एक पॉल्यूशन का बहुत बड़ा सोर्स है। तो अल्टीमेटली जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, जैसे गाजियाबाद का साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया होगा, नोएडा की भी कई इंडस्ट्रीज हैं, ये सब जो पॉल्यूशन फैला रही हैं, छपरौला इंडस्ट्रियल एरिया ग्रेटर नोएडा में है, तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पर भी लगाम लगाना होगा, अदरवाइज इन सर्दियों में भी हमें हर वर्ष की तरह भारी मात्रा में वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ेगा, और इससे लोगों को के स्वास्थ्य पर बहुत गंभीर दुष्प्रभाव पड़ेंगे और उससे जो है बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोविड के साथ मिलकर के एयर पॉल्यूशन और ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है, ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ऑलरेडी इस बारे में एक्सपर्ट्स अपनी राय दे चुके हैं कि एयर पॉल्यूशन का और कोविड का आपस में काफ़ी मतलब गहरा रिश्ता समझ सकते हैं आप, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। जहाँ एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है वहाँ कोविड ज़्यादा प्रभाव डालेगा, वहाँ ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी, वहाँ लोगों का सर्वाइवल रेट बहुत कम होगा। इसके बारे में तमाम रिपोर्ट्स आ चुकी हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स की ओर से भी। इसके अलावा अगर हम चौथे सुझाव की तरफ बढ़ें तो वो है वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए दिल्ली NCR में, भारत के अधिकतर शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर कुछ खास नहीं हो रहा है। कूड़े को जलाकर ख़त्म किया जाता है, कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ डेवलप हो गए जिनमें अक्सर आग लगी रहती है, और वहाँ से जो एयर पॉल्यूशन आता है वो नियंत्रण करने की उसको ज़रूरत है, अदरवाइज ये एक तरह से पॉल्यूशन के स्तर को इसी तरह बढ़ाता रहेगा। इसके अलावा पांचवें और अंतिम सुझाव पर मैं आता हूँ, वो है इंडस्ट्री के अलावा जो आपका एक तरह से कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है। देखिए कंस्ट्रक्शन जिस तरह से बढ़ा है
भारत में, खासकर दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव, नोएडा और अब तो गाजियाबाद, दिल्ली में तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, कुछ सरकारी प्रोजेक्ट्स भी हैं उनमें। तो कंस्ट्रक्शन साइट से बड़े लेवल पर डस्ट पॉल्यूशन और एक तरह से एक तरह का जो धुंध दिल्ली में आप देखते हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन साइट का भी पूरा पूरा रोल है, रोड साइड जो डस्ट है उसका भी पूरा रोल है, ग्रीनरी ऑलरेडी कम है। तो ऐसे में ये जो कंस्ट्रक्शन साइट से आने वाला जो पॉल्यूशन है, इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। इसके लिए एजेंसीज को काम करना होगा और एनजीटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट समय समय पर एडवाइजरी जारी करते रहे हैं, ऑर्डर्स देते रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है। केवल कोई नई चीज नहीं कर रही है, जो पहली पॉलिसीज हैं उनमें अगर कहीं सुधार की जरूरत है तो वो कर सकते हैं, बाकी उन्हीं को इम्प्लीमेंट करना है। लोकल एजेंसी को पूरे साल काम करने की जरूरत है, केवल पॉल्यूशन जब हमारे सर पर आकर खड़ा हो जाता है तभी हम इसके लिए प्रयास करें, उससे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आइए अब दिल्ली मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण गुप्ता से जानने की कोशिश करते हैं कि सर्दी के मौसम में कोरोना और प्रदूषण से एक साथ कैसे बचा जाए, खासतौर से घर में मौजूद बच्चों और बुजुर्गों को प्रदूषण से कैसे बचाना है, इसके बारे में भी उन्होंने खास जानकारी दी। देखिए, ठंड का टाइम आ रहा है, पॉल्यूशन लेवल दिल्ली में बढ़ेगा, कोरोना की दस्तक भी आसपास ही है, कुछ कह नहीं सकते कब आ जाए, तो उसमें कुछ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है मास्क के बारे में। अब मास्क एक ऐसी चीज़ है जो कोरोना से तो बचाती है, पॉल्यूशन से भी बचाएगी आप, तो मास्क का पूरा इस्तेमाल करें, अच्छे क्वालिटी के मास्क का इस्तेमाल करें, अगर अफोर्ड कर सकते हैं अवेलेबल है तो N95 मास्क बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पोल्यूशन से भी बचाएगा। इसके अलावा क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें, क्योंकि वायरल फीवर भी फैल रहा है, क्राउडेड स्पेस में जाने से आपको कोरोना होने का ज़्यादा डर होता है, तो कोशिश करें जहाँ तक अवॉइड हो सके क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें। तीसरा, ठंड का टाइम आ रहा है, कोई बार पार्क में पत्ते वत्ते जलाते हैं, ऐसी जलाते हैं तो उसको अवॉइड करें, इससे पोल्यूशन बढ़ता है। ठंड के दिनों में देखा गया है कि हवा की रफ्तार कम हो जाती है, तो इससे पोल्यूशन हवा का जो ज़मीन की लेवल पर टिक जाता है, तो ऐसे में अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, प्राइवेट व्हीकल्स को कम इस्तेमाल करेंगे जो कि ज़्यादातर पोल्यूशन करते हैं हवा के अंदर, तो उससे भी आपको अपने शहर को साफ रखने में मदद मिलती है। खासकर ध्यान रखना है आपको बच्चों का, छोटे बच्चे होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, इम्यूनिटी लेवल कम होती है, उनको अगर वो खेलने जाना चाहते हैं तो आप देखिए उस समय पोल्यूशन लेवल बहुत हाई नहीं होना चाहिए, और ज़रा से भी लक्षण है उनको बुखार के या सांस की तकलीफ के तो डॉक्टर संपर्क करें। जो बुजुर्ग लोग हैं उनका भी ध्यान रखना है, अगर वॉक करने जाते हैं, जिन लोग पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई है, वॉक को अवॉइड करें, अगर उनको सांस की तकलीफ है तो खासकर ध्यान रखें, अगर डॉक्टर्स की दवाइयाँ लगातार लेते रहें और अपने डॉक्टर संपर्क में रहें, मुझे कुछ चीज़ें आप करेंगे तो आप पॉल्यूशन बचाने में और कोरोना से बचने में काफ़ी हेल्प करेंगे। देश की राजधानी में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार एक विंटर एक्शन प्लान लेकर आ रही है, इसके लिए बाकायदा तमाम एजेंसियों को एक एक्शन प्लान बनाने के लिए दिया गया था। इसके तहत चाहे धूल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो और वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण हो, इससे कैसे निपटा जाए, इसके बारे में एक डिटेल योजना बनाई गई है। इस योजना के लागू होते ही दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की एक जंग शुरू हो जाएगी। पंकज जैन, दिल्ली आज तक।